गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू अपना टीचिंग चैनल। फ्रेंड, आज की स्टूडियो में बात करें एवरेज, जिसको हिंदी में कहते हैं औसत। दोस्तों, पार्ट फाइव है, पार्ट वन टू थ्री फोर में पहले डाल चुका हूं। और दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। तो इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं गल औसत के बारे में। तो दोस्तों, आपसे वादा करता हूं कि ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते हैं तो आप इस तरह के क्वेश्चन को मात्र कुछ सेकंड के अंदर आंसर निकाल सकते हैं, या बोल सकते हैं चुटकी में आंसर निकाल सकते हैं इसका, जिसके लिए होगा कि इस वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो अपना क्वेश्चन दोस्तों ये है, एक की क्यूब और दो की क्यूब, चार की क्यूब, पांच की क्यूब, छह की क्यूब, सात की क्यूब का औसत ज्ञात करो। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह भी कर सकते हैं कि एक का क्यूब एक होता है, दो की क्यूब होती है आठ, तो इस प्रकार हम करते हैं, चार की क्यूब होती है चौसठ। तो दोस्तों, इस प्रकार हम इस पांच की क्यूब लिखेंगे और छह की क्यूब लिखेंगे, सात की क्यूब लिखेंगे, प्लस कर देंगे। और फिर प्लस करने के बाद इसमें जो कुल संख्या है, एक दो तीन चार पांच छह, कुल संख्या का भाग लगा देंगे और इस प्रकार औसत आ जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह करते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो हमें टाइम की बचत करते हुए हम इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। जो इसका फॉर्मूला होता है, घन औसत बराबर में एन कोष्टक में है एन प्लस वन बटा दो, और कोष्टक बंद है, और फिर इसको ऊपर है वर्ग स्क्वायर। तो दोस्तों, अब इसको इस प्रकार से हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ एन है, जो एन क्या होती है, एन होती है कुल संख्या। कुल संख्या कितनी संख्या है वो अपना एन होता है। तो दोस्तों, यहाँ एन क्या है, एन है एक दो तीन चार पांच छ, एक दो तीन चार पांच छ। तो दोस्तों, यहाँ एन कितनी है, छह है। सॉरी दोस्तों, इसमें मैं यहाँ तीन का स्क्वायर लिखना भूल गया, तो अब यहाँ तीन का स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ एन हो जाता है सात, जो मैं तीन भूल गया, तीन का स्क्वायर, तीन का क्यूब, सॉरी क्यूब होगा, तीन का क्यूब लिखना भूल गया, एक दो तीन चार पांच छह सात, यहाँ एन हो गया सात। तो यहाँ एन सात हो गया। तो अब इसको फॉर्मूले द्वारा सोल्व करते हैं। तो यहाँ एन सात है, तो इसमें क्या है, स्टार्टिंग में एन सात, और फिर है एन है जो सात है, फिर प्लस में एक कर रखा है, एक कर देते हैं, और बटे में दो कर रखा है, और फिर कोष्टक बंद कर देते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं, सात और एक आठ हो जाता है, आठ में दो का भाग देते हैं तो चार बन जाता है, तो चार चार आया, चार का स्क्वायर, और ये सात है, सॉरी यहाँ सात है, ये गुणा में हो जाता है कोष्ठक के बाहर, या हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो अब इसको चार को वो करते हैं तो ये सोलह हो जाएगा। अब सोलह गुणा में सात करेंगे, सोलह सत्तू होता है 112, तो ये आंसर हो जाएगा 112, इसका एवरेज आ गया 112। तो दोस्तों, अपना आंसर हो गया 112। फिर से बता रहा हूं कि यहाँ एन है सात, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको रख देते हैं सात, सात प्लस में एक बटे दो, ये आठ हो जाता है, आठ में दो का भाग देते हैं, चार चार का स्क्वायर हो जाता है सोलह, और ये ब्रैकेट है, इसका मतलब होता है गुणा का, तो गुणा में सात कर दिया, सोलह सत्तु 112, तो ये अपना आंसर हो गया 112। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, समझ में आ रहा तो लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपना ये है, एक की क्यूब, दो की क्यूब, चार की क्यूब। यहाँ भी दोस्तों मिस्टेक कर रखा है मैंने, यहाँ भी मैंने तीन की क्यूब लिखना भूल गया। तो यहाँ एक की क्यूब, दो की क्यूब, तीन की क्यूब, चार की क्यूब, पांच की, छह की, सात की, आठ की, नौ की, दस की, ग्यारह की क्यूब का औसत ज्ञात कीजिए। तो वही घन की औसत का सूत्र क्या होता है, घन का औसत का सूत्र वही होता है जो अभी पिछले क्वेश्चन बताया था, औसत होता है एन, एन प्लस वन बटा दो और इसका होल स्क्वायर। तो दोस्तों, अब इसके सूत्र के द्वारा सोल्व करेंगे। एन क्या है, एन यहाँ 11 तक है, तो कुल संख्या कितनी है, 11, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, एन है कि अपनी 11, तो यहाँ 11 अपना एन हो गया। तो यहाँ एन 11 रख देते हैं सूत्र के अकॉर्डिंग, तो यहाँ एन है, यहाँ 11 प्लस वन कर दिया, और बटे में दो है, दो कर दिया, और इसका होल स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ 11 है तो 11 लिख दिया। अब 11 प्लस एक क्या होता है, 12, 12 में दो का भाग देते हैं तो छः बार जाता है, तो यहाँ छः आ जाएगा, छः का स्क्वायर करते हैं तो ये छः चंगा 36 हो गया, 36 गुणा में 11 करते हैं। तो अब इसको 36 गुणा में 11 करने पर
अब इसको गुना करते हैं 11 छक्के 66, 66 का छक्का असल 6, 11 तिया 33, 33 और 6 6 होता है 39। तो दोस्तों 396, ये जो अपना आंसर आ गया ये आ गया औसत, अपना एवरेज आ गया, एवरेज आ गया जो अपना आंसर है घर का औसत क्या हो गया इसका 396। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपने ये है, 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब, 5 की क्यूब का औसत ज्ञात करो। तो दोस्तों इसका औसत ज्ञात करवा रहा है कि यहाँ हमें औसत घन का औसत का सूत्र होता है एन कोष्टक में एन प्लस वन बटा दो का होल स्क्वायर, ये अपना सूत्र होता है। तो यहाँ एन क्या है, एन है एन 1, 2, 3, 4, 5, तो कुल संख्या होती है जो एन होता है। तो यहाँ एन क्या है, 5 है और सूत्र अपना ये है। इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट द्वारा बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, इसके औसत क्या होगा। अपना ऑप्शन ए है 45, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 30, ऑप्शन डी है 25। आपसे आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो के नीचे लाल कलर सब्सक्राइब का ऑप्शन सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का निशान भी दबाइए। और दोस्तों कमेंट द्वारा बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। प्लीज फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां भी हो सके, ग्रुप वगैरह जैसे भी हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।